शादी 4 दिन बाद नहीं होगी, शादी कल होगी। कल यहाँ एक नहीं, दो शादियाँ होंगी। हमने गलती की थी इन दोनों को अलग करके, और अब हम ही ये गलती सुधारेंगे। मेरे डर के मारे उन्हें शादी की तारीख ही बदल दी। अंश, मैं कब से आपसे बात करना चाह रही हूँ, मैं आपको। रिलैक्स दिव्या, मैं जानता हूँ शादी प्रीपोन होने की वजह से तुम्हें टेंशन हो रही है, राइट? लेकिन हम सब हैं, हम सब हैंडल कर लेंगे, ओके? पर अंश, मैं ये कह रही हूँ। थैंक यू। I'm really sorry. सब कुछ इतना अचानक हो रहा है, इतना सारा काम है कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा। लेकिन अब कोई काम नहीं, तुम बहुत देर से मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अंश, मैं कह रही हूँ कि जो कुछ भी कहना सुनना है शादी के बाद कहना। अब पर चाची उसे कुछ जरूरी। हाँ, बस। और वैसे भी बेटा, इसे जो कुछ भी कहना है ना, तुम हमें कह दो, हम तुम्हें बता देंगे। लेकिन शादी से पहले तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते साथ। हाँ दिव्या, ये माते का ऑर्डर है कि तुम हमारे कमरे में हमारे साथ सो, ठीक है? और वैसे ये माते का ऑर्डर है तो इसे कोई टाल तो सकता नहीं है। अब चलो। अरे चलो चलो, अरे चलो चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कुछ घंटों के लिए ही तुम्हें मान से अलग कर रहे हैं, और फिर जिंदगी भर के लिए तुम्हें उसे सौंप देंगे। चलो चलो। आ जाओ। पवित्रा, ध्यान देना, आज रात ये मान से मिल ना पाए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए नागिन चाची, हम देख लेंगे। चल कोई बात नहीं, इसी नाम से बुला ले, अब तो आदत हो गई इस नाम। कैसी सुमन, आप यहाँ खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी? इतने सारे काम बाकी है, चले चलो ना। मैंने कब मना किया? चलो चलो, जाओ काम करो आप लोग। पवित्रा, तुम जानती हो कि मैं दिव्या हूँ, फिर झूठ क्यों बोल रही हो? हम कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि तुम एक बहुत बहुत अच्छी इंसान हो, और तुम हमारे भाई के लिए एकदम परफेक्ट रहोगी। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें भूमि ने यहाँ पर भेजा है उसकी जगह लेने के लिए, इस परिवार को बुराई से बचाने के लिए। तब तक हम परिवार की अहमियत को नहीं समझते, पर अब पता चल गया, इसीलिए हम हर चीज में तुम्हारा साथ देंगे, और हो सकता है तुम्हें अपनाने के बाद भूमि भी हमें माफ कर दे। इसीलिए आज रात को तुम हमारे कमरे में रहने वाली हो, ताकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लें, और कल हम खुद अपने हाथों से तुम्हें तैयार करें। पवित्रा को बता दूं क्या? शायद ये मेरी मदद कर सके। पवित्रा जी, आपको भाभी मैं बुला रही हूँ। आते तुम आराम से बैठो यहाँ पर, हम आते, माते का बुलावा आया है। सुरेश, मैं आ जाओ, बाकी सामान जो बचा हुआ है वो लगा दो। अच्छा लग रहा है। लो पंडित जी आ गए। आइए आइए पंडित जी, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। लता, ये शादी में 1.5 घंटा बचा हुआ है, जरा जाके देखो बच्चे तैयार हैं कि नहीं। बच्चों से याद आया, मुझे सुरभि की मेहंदी उतारनी थी, भूल गई। सुमन सुमन, तुम्हारी उम्र हो गई, सारे काम लिख लिख के किया करो। हाँ, मेरी उम्र हो गई, बुड्ढे हो गए होंगे मेरे दुश्मन, आप हो गए होंगे बुड्ढे। एक तो खुद के बालों में डाई लगा के उनको काला कर दिया, और मुझे बुड्ढा कह रहे हो? मेरा अभी तक एक भी बाल सफेद नहीं हुआ है, समझे? बात कर रहे हो,
सुमन सारी पोल पट्टी यहीं खोलनी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। जॉब सुरभि को तैयार। देखा, फिर आपने बातों में अटका दिया। मैं आती हूँ। आइए पंडित जी। बहुत सुंदर लग रही। अरे यहाँ पर ना एक पिन लगाना पड़ेगा, वरना गिर जाएगा। मैं पिन लेकर आ रही हूँ। बैठ। भूमि, बेटा, हाय, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। एक मिनट, काला टीका लगा देती हूँ। भगवान करे तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। अच्छा बेटा, पंडित जी तो नीचे आ गए हैं, तुम भी थोड़ी देर में आ जाना। हाँ, मैं जाकर देखूं तो सही तुम्हारा दूल्हा अब तक तैयार हुआ है कि नहीं। शादी के लिए वहां वो कर लो बात बेटा, किसी अपने का ही फोन होगा ना, बात करके आ जाना। हाँ, हेलो। हेलो बेगम, मेरा फोन उठाने में इतना वक्त, दुल्हन बनने की तैयारी में इतनी बिजी, तुम्हें कैसे पता? बेगम मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, और मैं तुम्हारी खबर नहीं रखूंगा तो उस बुढ़िया की खबर रखूंगा, या उस सुमन और लता की। देखो युवराज, मुस्कान को कोई नुकसान मत पहुंचाना, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि मैं दिव्या हूं। शट अप, जस्ट शट अप बेगम, और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और अब इस बारे में कोई भी बहस करने का बिल्कुल मतलब नहीं है। तुम्हारी शादी होगी और उस अंश के साथ, लेकिन मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनने नहीं दूंगा। अब सोचो बेगम, सोचो ये शॉट कि यहां अंश तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा, और वहां युवराज मुस्कान के साथ एंट्री करेगा। वाह, व्हाट अ फिल्म। और उसके बाद जब पूरे प्रजापति परिवार को मुस्कान का सच पता लगेगा, तो सबके सब तुम्हें धक्का देकर वहां से निकाल देंगे। तब मेरे दिल को बहुत चैन मिलेगी, मैं इमोशनल हो जाऊंगा। हाँ बेगम, सच में बहुत मजा आएगा। और हाँ, इस बार अगर तुमने कोई भी चलाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा मुझसे बुरा तो वैसे कोई नहीं, तो मुझसे और बुरा कोई नहीं होगा। युवराज प्लीज ऐसे कुछ मत करना, मैं नहीं करूंगी ये शादी। मैं कहते रही, हेलो हेलो, दिव्या, दिव्या तुम रो क्यों रही हो? दिव्या जवाब दो। देखो तुमने मुझे अपना भाई कहा, तो एटलीस्ट टेल मी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? भाई। दिव्या शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। लता, करे हो बेटे, तुम
मुझे बता क्या हो? भाई वो मुस्कान, मुस्कान अंशुल भूमि की बेटी, मेरे आज तक ये सब छुपाया क्योंकि क्योंकि भूमि नहीं चाहती थी, और जब मैं उसे इस घर में लाना चाहती थी तो मुझे नहीं पता कहां से युवराज को पता चल गया और वो उसकी जान के पीछे पड़ गया। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक आ जाएगी। मेरे ये सब कुछ छुपाने की वजह से मुस्कान मुस्कान की जान पे बनाएगी। देखो दिव्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने इस घर को अपना कहा तो एटलीस्ट इसे अपना समझो। मैं जानता हूं कि तुम मेरी भूमि नहीं, पर तुमने मुझे अपना भाई कहा और हम सब इस परिवार का हिस्सा हैं। और शायद शायद मुस्कान भी इस घर का हिस्सा बन सके। ये भूमि की आखिरी इच्छा होगी और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बहन की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं मानता हूं कि तुमने घर वालों से झूठ कहा कि तुम दिव्या नहीं भूमि, बट इट्स ओके। आई मीन इसके पीछे जरूर कुछ रीजन होगा। एनीवेज ये सब बातें बाद में करें, इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम मुस्कान को कैसे बचाएं। एंड डोंट वरी, मैं हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं मुस्कान जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन भाई थोड़ी देर में तो आपकी शादी है। दिव्या मेरी शादी शाम को, मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक बात का मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं युवराज को कभी नहीं जीने दूंगा, कभी। देखो दिव्या, भूमि ने तुम्हें चुना है, इसका मतलब तुम इस घर के लिए परफेक्ट। अब देखो ना, अंश को सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी वो तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। इसलिए तुम दोनों की शादी जरूर हो, जरूर। मैं हूं, मैं अंश को समझाऊंगा कि तुमने ये जो भी कुछ झूठ बोला ये सिर्फ इस घर की भलाई के लिए। और रही बात मुस्कान की, तो मुस्कान मेरी भांजी और मेरे होते हुए मुस्कान को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तुम परेशान मत, मैं मुस्कान को लेके आता हूं। वरुण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिव्या। कुछ भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। अब गाइस हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं जाके मुस्कान को लेके आता हूँ। वरुण क्या हम भी आपके साथ चलें? कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी ही गलतियों की वजह से हो रहा है। युवराज को हमने ही इस घर में बुलाया था, अब अपनी गलती सुधारने का मौका आया है, प्लीज हम भी साथ चलते। नहीं पवित्र, तुम दिव्या के साथ, और दिव्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम और अंश एक होकर रहोगे। और अगर ये मेरी बहन की आखिरी इच्छा तो ये शादी जरूर होगी, इस शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दिव्या,
बस तुम हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम युवराज को बिल्कुल भी जीतने नहीं देंगे। युवराज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम उसे जीतने नहीं देंगे। आज ना आपके असली पापा की नकली मम्मा के साथ शादी है। जैसे उनकी शादी होगी ना, हम वहां जाएंगे और उनका भांडा फोड़ देंगे। बहुत मजा आएगा। युवराज, हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। स्माइल। मैंने कहा मुस्कान को छोड़। मेरी बहन की शादी रोकेगा तू? मेरी मुस्कान को लेके जाएगा? मेरे परिवार को तोड़ेगा? रोक के दिखा। ओम सुमुखचय कदंतस्य कपिलो गच्छन्कः लंबोदरस्य भिक्षो विघ्ननाशो विनायकः। हे भगवान, मुस्कान और भाई की रक्षा कीजिए और उन्हें सही सलामत घर भेज दीजिए। मुस्कान को लेगा? मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान को लेगा? मुस्कान, 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 छोड़। मेरे होते हुए मेरी भांजी का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? हट। अब दोनों बरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
Ha 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 ha!